हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैंने अपनी इंग्लिश की टीचिंग में ये पाया है कि यदि स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ग्रामर की कंसेप्ट जो है जो उनको जो है डिलीवर किया जाए, जिससे कि उनका स्कूल का सिलेबस तो कवर हो ही, साथ ही साथ जो उनका अगर उनको मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी तो करनी ही है आगे चल के, चाहे आप NDA में जाएं, चाहे SSC में जाएं, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाएं, तो इंग्लिश की वेटेज तो बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप सही तरीके से इसको शुरू से देखते रहेंगे, शुरू से इसको समझते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको कॉम्पिटिशन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा, और साथ ही साथ अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका स्कूल सिलेबस भी कवर होगा। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी हम शुरू कर चुके थे, ये इसका सेकंड वीडियो है। हम लोग कैन पढ़ चुके थे। मैं आपको बता दूं, मॉडल जो वर्ड है वो मूड वर्ड से बना हुआ है। इसके बाद जो आने वाला वर्ड है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी मॉडल ऑक्सिलरी एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है और स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करती है। ये हमेशा अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेती है, ये कभी भी वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड नहीं लेती है। यदि ये वर्ब थर्ड लेती है तो ये फिर हैव के साथ आती है, फिर इसके अगर इसके साथ वर्ब थर्ड आती है तो फिर हैव भी आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुड जो है कैन के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का यूज कैसे होता है, कुड का यूज कैसे होता है। देखिए, शी सेड आई कैन डू माई वर्क। कैन से एबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है, मैं अपना काम कर सकता हूं। ठीक है, तो कैन को कुड में कैसे बताना है। शी सेड, अब ये आप जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय कैन कुड में चेंज हो जाता है, तो इसका बन जाएगा शी सेड दैट शी कुड डू हर वर्क। तो ये जो कैन है इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे है इनएबिलिटी इन पास्ट। इनएबिलिटी इन पास्ट का मतलब होता है पास्ट में कोई काम ना कर पाने की असमर्थता को जो है कुड रिप्रेजेंट कैसे करता है। देखिए, आई कुड नॉट वॉक व्हेन आई वाज इल, मैं नहीं चल सकता था जब मैं बीमार हो गया था। या हम दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, आई कुड नॉट वॉक व्हेन आई गॉट इंजर्ड, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं चल सकता था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इनएबिलिटी को किस तरह से पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट जो है जो एरिया कुड कवर करता है वो है पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को। देखिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को जब ये कवर करता है तो कुड है प्लस V3 के साथ आता है। देखिए किस प्रकार से, टीम इंडिया कुड है वॉन द मैच, टीम इंडिया मैच जीत सकती थी, या हम कह सकते हैं टीम इंडिया कुड है वॉन द वर्ल्ड कप, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती थी। ये पास्ट की इनएबिलिटी को बताता है। हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया जो है मैच नहीं जीत सकी, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो इस तरह से ये पास्ट की इनएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे कुड हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला सकते थे। इसके बाद ये हिडन रहता है, लेकिन ला नहीं पाए, मतलब पास्ट की इनएबिलिटी, पास्ट में वो उस काम को नहीं कर सके। फिर है इमेजिनरी कंडीशन, इफ शी स्टडीड वेल शी कुड पास, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गई, पास हो सकती थी। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, यदि उसने मेहनत की होती तो इसका मतलब है ये हिडन है उसमें कि ना उसने मेहनत की ना पास हुई। तो अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब तक फिर हम जो इसके बाकी के जो थ्रीज जो एरियाज बचे हैं, थ्री मूड्स बचे हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि कुड जो है कैसे एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज 4, मैं फ्रेंच बोल सकता था जब मैं 4 साल का था। या हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, माई डॉटर कुड रीड द न्यूज़पेपर व्हेन शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 2, जब मेरी डॉटर जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकती थी जब वो 2nd क्लास में पढ़ती थी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कुड जो है एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, इसके हम कैपेसिटी को देख लेते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता को रिप्रेजेंट करना। तो कैसे, किस प्रकार, एक सेंटेंस हम उसमें लेते हैं, माई ग्रैंड फादर कुड सी वेरी क्लियर, माई ग्रैंड फादर कुड सी वेरी क्लियरली आफ्टर द एज ऑफ 75, मेरे ग्रैंड फादर 75 के बाद भी बहुत ही क्लियरली देख सकते थे। तो ये जो है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। या हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या,
माई ग्रैंड मदर कुक द फूड इवन आफ्टर द एज ऑफ 75 या इवन इन द एज ऑफ इवन इन द ओल्ड एज. ठीक है, आप जो भी सेंटेंस में ऐड करना चाहते हैं ये कर लीजिए. तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुड जो है पास्ट की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. फिर हम देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है. तो पोलाइट रिक्वेस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है देखिए किस तरह से. वुड आई सी यू मोबाइल, मैं क्या मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ. तो ये जो है जो ये वुड है ये प्रेजेंट की रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ही वुड में अगर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही हो आपको ये नहीं समझना है कि ये पास्ट टेंस को जो है रिफर कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में ही है. और जब भी वुड का यूज हम करते हैं तो अलग से हमको प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो वुड का आपने देखा किस प्रकार से हम जो है रिक्वेस्ट राइट रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, कैपेसिटी देखा, एबिलिटी देखा. और इससे पहले मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो कुड है स्पीकर के 6 मूड को कवर करता है. तो जो हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी कुड के एरियाज कवर किए हैं ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है. और मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.